हेलो एवरीवन, माय सेल्फ सोनिया शर्मा। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट क्लास फोर्थ चैप्टर फर्स्ट पार्ट सेकंड। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जो प्लांट्स टेरिस्ट्रियल होते हैं वो धरती के ऊपर रहते हैं। हमने प्लांट इन डेजर्ट पढ़े थे, प्लांट्स इन हिल, प्लांट इन मार्शेस, प्लांट्स इन प्लेन। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द प्लांट दैट लाइव इन वाटर। वो प्लांट जो पानी के अंदर रहते हैं उनको हम लोग बोलते हैं एक्वेटिक प्लांट। प्लांट दैट लाइव एंड ग्रो इन ए वाटर आर कोल्ड एक्वेटिक प्लांट। वो प्लांट जो पानी के अंदर रहते हैं, ग्रो करते हैं, अपने आप को बढ़ाते हैं, उनको आप लोग बोल देते हो एक्वेटिक प्लांट। आप पानी में भी अलग अलग प्रकार के प्लांट पाए जाते हैं और वाटर भी अलग अलग प्रकार का होता है। प्लांट एक्वेटिक प्लांट ग्रो इन पोंड, लेक, रिवर, स्ट्रीम्स एंड ओशंस। एक्वेटिक प्लांट जो होते हैं पोंड्स में, लेक में, रिवर में, स्ट्रीम में, ओशन समुद्र में पाए जाते हैं। दीज आर थ्री टाइप ऑफ एक्वेटिक प्लांट। फर्स्ट इज फ्लोटिंग, जो ऊपर ही पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं, फिक्स्ड पानी के अंदर फिक्स्ड होते हैं, और अंडर वाटर प्लांट जो पानी के अंदर रहते हैं। अब वन बाय वन पढ़ते हैं। फ्लोटिंग प्लांट जो पानी के ऊपर ही तैरते रहते हैं। फ्लोटिंग प्लांट फ्लोट फ्रीली इन ए वाटर। जो फ्लोटिंग प्लांट होते हैं, तैरने वाले जो प्लांट्स होते हैं, वो फ्लोट करते हैं, पानी के सरफेस पे रहते हैं। टू फ्लोट ईजली इन ए वाटर दीज प्लांट हैव फॉलोइंग एडेप्टेशन फीचर। ये पानी के अंदर फ्लोट करते हैं प्लांट, इसीलिए इनके पास अलग अलग प्रकार के एडेप्टेशन फीचर हैं। फर्स्ट है, दे हैव अ स्मॉल एंड लाइट बॉडीज दैट कैन फ्लोट। अब ये देखिए, कोई भी भारी प्लांट होगा तो वो फ्लोट नहीं कर पाएगा, तो इसलिए जो ये प्लांट है इनकी जो बॉडी होती है वो छोटी होती है और लाइट वेट की होती है, जिसकी वजह से ये प्लांट क्या होते हैं पानी के अंदर फ्लोट कर पाते हैं। एग्जाम्पल बताया हुआ इन्होंने इन्होंने वोल्फिया एंड डकवीड। ये प्लांट हैं जो पानी के अंदर फ्लोट करते हैं। सम प्लांट्स हैव स्पॉन्जी एंड एयर फील्ड स्टेम। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो स्पॉन्जी होते हैं और एयर फील्ड स्टेम होते हैं, यानी उनके जो स्टेम्स होते हैं, तने होते हैं, उनके अंदर हवा भरी होती है, जिनकी वजह से ये क्या करते हैं, ईजली फ्लोट कर पाते हैं। दिस मेक दैम लाइट इनफ टू फ्लोट ईजली, जिनकी वजह से ये इनको हल्कापन महसूस कराते हैं और जिसकी वजह से ये वाटर के अंदर आसानी से फ्लोट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर हाइनेथ। हम लोग जो गांव में रहते हैं उन्होंने देखा होगा जो हमारे पोंड्स वगैरह होते हैं, जोड़ वगैरह होते हैं, उनके अंदर क्या होते हैं, पानी के ऊपर जो प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, आसानी से फ्लोट करते हैं, पानी की सरफेस पर फ्लोट करते हैं। क्यों कर पाते हैं? क्योंकि उनका जो बॉडी वेट होता है वो लाइट होता है और उनके जो स्टेम होती है उनके अंदर एयर फिल होती है, जिसकी वजह से वो क्या होते हैं, आसानी से फ्लोट कर पाते हैं। सेकंड पार्ट है जो प्लांट का, वो है फिक्स्ड प्लांट। दीज प्लांट हैव रूट आर फिक्स्ड एट द बॉटम। ये जो प्लांट हैं इनकी जो रूट्स होती हैं वो फिक्स्ड होती है नीचे ऑफ ए पोंड, बट मोस्ट ऑफ देयर वेजिनेशन इज़ अबव वाटर। वेजिनेशन, वेजिटेशन का मतलब क्या है कि जो इनकी प्रक्रिया होती है अपने आप को डिवाइड करने की, वो तो वाटर के ऊपर होती है, बट क्या होता है, ये फिक्स्ड होते हैं। दे हैव लॉन्ग होलो फ्लैक्सीबल स्टेम विद अ ब्रॉड एंड फ्लैट लीव दैट फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर। ये क्या होते हैं, लॉन्ग, बड़े बड़े होते हैं, होलो अंदर से खोखले होते हैं, फ्लेक्सिबल स्टेम होती है, ब्रॉड एंड फ्लैट लीव्स, बड़ी बड़ी लीव्स होती हैं, जिनकी वजह से ये पानी की सरफेस पर आसानी से क्या कर सकते हैं, फ्लोट कर सकते हैं। द अपर सरफेस ऑफ ए दीज लीव हैव अ वैक्सी कोटिंग। जो इनकी ऊपरली सरफेस होते हैं ना, वो वैक्सी कोटिंग की होती है। वैक्सी कोटिंग का मतलब बिल्कुल ही चिकनाईदार, मुलायम, सॉफ्ट, एंड स्टोमेटा टू अब्सॉर्ब एयर। इनके अंदर क्या होता है, स्टोमेटा होता है, ये हमारे लिए नया वर्ड है, स्टोमेटा। देखिए बच्चों, हम इंसान हैं, हम लोग क्या करते हैं,
नाक से सांस लेते हैं, नोज से, ठीक है। तो ऐसे ही जो प्लांट होते हैं, अब प्लांट कैसे सांस लेते हैं, स्टोमेटा की हेल्प से। स्टोमेटा क्या होता है, छोटे छोटे छेद, छोटे छोटे पोर, जो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, उसको आप लोग क्या बोल देते हो, स्टोमेटा बोल देते हो, ठीक है। अब एक नया पता लगा, स्टोमेटा क्या होता है, जो प्लांट होते हैं वो किसकी हेल्प से सांस लेते हैं, स्टोमेटा, छोटे छोटे पोर जो लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। लोटस एंड वाटर लिली आर द एग्जांपल ऑफ ए सच प्लांट। लोटस आपको दिखाया हुआ है फिगर में, ये लोटस है और वाटर लिली क्या है, एग्जांपल है इस टाइप के प्लांट का। आफ्टर दैट अंडर वाटर प्लांट्स, अब पानी के अंदर जो प्लांट्स होते हैं उनको आप लोग क्या बोल देते हैं, अंडर वाटर प्लांट। दीज प्लांट रिमेन कम्प्लीटली सबमर्ज्ड इन वाटर, ये प्लांट जो होते हैं पूरी तरीके से पानी के अंदर सबमर्ज्ड होते हैं, फैले हुए होते हैं। दे हैव ए नैरो एंड थिन लीव्स एंड फ्लेक्सीबल स्टेम दैट ऑफर लिटिल रेजिस्टेंस ऑफ ए वाटर करंट। ये नैरो होते हैं, थिन लीव्स होते हैं, बिल्कुल पतली पतली इनकी जो होते हैं पत्ते होते हैं, फ्लेक्सिबल बिल्कुल ही लचीलेदार इनकी स्टेम होती हैं, और जो पानी के बहाव को आसानी से क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। दे ब्रीथ थ्रू देयर बॉडी सरफेस, ये क्या करते हैं अपने बॉडी सरफेस के थ्रू सांस लेते हैं। दे डू नॉट हैव स्टोमेटा, इनके पास स्टोमेटा नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रीला एंड टैप टीप ग्रास आर इज द एग्जाम्पल ऑफ सच प्लांट। ओके, नाउ अदर टाइप ऑफ ए प्लांट, अ पार्ट ऑफ द टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक प्लांट, दे आर द सम स्पेशल कैटेगरी ऑफ ए प्लांट नेमली नॉन ग्रीन प्लांट एंड पैरासिटिक प्लांट। अब देखिए, सिर्फ दो ही प्रकार के प्लांट नहीं पाए जाते, इसके अलावा नॉन ग्रीन प्लांट भी होते हैं, ओके, और पैरासिटिक प्लांट होते हैं जो पैरासाइट को खाते हैं, ओके। हम पढ़ते हैं अब नॉन ग्रीन प्लांट, जो प्लांट हरे नहीं हैं। सम प्लांट लाइक मशरूम, मशरूम जो है वो नॉन ग्रीन प्लांट है। एंड मोल्ड्स डू नॉट हैव ग्रीन कलर पिगमेंट आर कॉल्ड क्लोरोफिल। अब एक नया चीज़ आई है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है, हरे रंग का पदार्थ, ग्रीन पिगमेंट, क्या होता है ये, ग्रीन पिगमेंट, हरे रंग का वो पदार्थ जिस पदार्थ की हेल्प से प्लांट क्या करते हैं, अपना भोजन अपने आप बनाते हैं, उसको आप लोग क्या बोल देते, क्लोरोफिल। तो यानी जितने भी ग्रीन प्लांट होंगे, चाहे वो आपकी घास है, कोई भी खेत में लगा हुआ कोई भी चीज़ है जो ग्रीन है, उनके अंदर क्या है, क्लोरोफिल है। तो यानी क्लोरोफिल है, वो अपना भोजन क्या करते हैं, अपने आप बनाते हैं। दे आर कॉल्ड नॉन ग्रीन प्लांट, बट जो नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं ना, उनके पास कोई भी ग्रीन कलर का पिगमेंट नहीं होता। अनलाइक ग्रीन प्लांट दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, मैंने बताया था जैसे ग्रीन प्लांट अपना भोजन अपने आप बनाते हैं ना क्लोरोफिल की सहायता से, ऐसे ही नॉन ग्रीन प्लांट अपना भोजन अपने आप नहीं बना पाते। दे ग्रो ऑन डेड एंड डिकिंग मैटर, ये जो सड़े हुए मरे हुए पदार्थ होते हैं उनके ऊपर क्या करते हैं, रहते हैं, और उसको भोजन के रूप में यूज़ करते हैं। आफ्टर दैट इंसेक्टिवोरस प्लांट, अब देखिए कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनके लिए सिर्फ क्लोरोफिल ही ज़रूरी नहीं है, यानी वो उतना सफिशियंट प्रकार का फूड अपने आप नहीं बना पाते जो उनके लिए ज़रूरी है, इसलिए वो क्या खाएंगे, अब इंसेक्ट खाएंगे जिनसे इनको प्रॉपर डाइट मिल सके, ये प्रॉपर क्या हो सके, ग्रो हो सके, तो उसको आप लोग क्या बोल देते हो, इंसेक्टिवोरस प्लांट। दे आर द सम प्लांट दैट ईट इंसेक्ट, कुछ ऐसे प्लांट हैं जो क्या खाते हैं, इंसेक्ट खाते हैं, जैसे वीनस फ्लाई ट्रैप एंड पिक्चर प्लांट। ये क्या है, वीनस फ्लाई ट्रैप एंड पिक्चर प्लांट ट्रैप इंसेक्ट विद द हेल्प ऑफ ए देयर स्पेशल डिजाइन लीव। ये क्या करते हैं, इंसेक्ट को खाते हैं, क्योंकि इनके पास इस तरीके से डिज़ाइंड क्या होते हैं, लीफ होती है। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट आर नोन एज द इंसेक्टिवोरस प्लांट, इस तरीके के प्लांट को आप लोग क्या बोल देते हो, इंसेक्टिवोरस प्लांट। दे डिराइव न्यूट्रेंट फ्रॉम
द इंसेक्ट दैट दे ट्रैप. मैंने अभी बताया ये इनसे इनको क्या मिलते हैं, न्यूट्रिएंट मिलते हैं. ठीक है, तो ये क्या करते हैं, मान लीजिए ये कोई भी प्लांट का मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर बता रही हूँ. मान लीजिए प्लांट की कोई भी ट्यूब है, इस ट्यूब में आकर कोई भी इंसेक्ट क्या करेगा, मान लो यहाँ पर आ गया, तो इसके ऊपर क्या होती है कैप इस टाइप से होती है. ये क्या करेगा, प्लांट अपनी कैप को बंद करेगा और जो इंसेक्ट है उसको प्रॉपर हवा नहीं मिलेगी, प्रॉपर ब्रीथ नहीं कर पाएगा, वो दम घुट के मर जाएगा. और फिर इस प्लांट के साइड से डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं और उन डाइजेस्टिव जूस की हेल्प से वो क्या करते हैं, प्लांट उसको खा लेते हैं. आफ्टर दैट यूजेज ऑफ ए प्लांट, प्लांट के यूजेज हमारे लिए इतने सारे यूज हैं प्लांट के, बहुत ज़्यादा. यहाँ पर सिर्फ कुछ ही बताए गए हैं. फर्स्ट है वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट, हम लोग क्या करते हैं फूड प्राप्त करते हैं प्लांट से. वी ईट फ्रूट वेजिटेबल्स या जितने भी प्रकार का फूड लेते हैं, पल्सिस नट्स विच आर द प्लांट प्रोडक्ट. एक वर्ड हमने यहाँ सीखा है प्लांट प्रोडक्ट. प्लांट प्रोडक्ट वो चीज़ें, वो पदार्थ जो हमें किससे मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं, उसको आप लोग क्या बोल देते हो, प्लांट प्रोडक्ट. और जो एनिमल से मिलते हैं जैसे दूध है, घी है, मक्खन है, ये हमें किससे मिलते हैं, एनिमल से, तो उनको आप लोग क्या बोल दोगे एनिमल प्रोडक्ट. ओके, उसको आप लोग क्या बोल दोगे, एनिमल प्रोडक्ट. वी ईट लीफ, हम लोग क्या खाते हैं, लीव्स खाते हैं, स्टेम रूट्स ग्रीन फ्लावर ऑफ ए मैनी प्लांट यूज ऑफ सम ऑफ देम स्पाइसेस, कुछ का हम मसालों के रूप में भी यूज़ करते हैं. आफ्टर दैट प्लांट फाइबर लाइक कॉटन जूट फ्लैक्स आर यूज टू मेक क्लोथ कारपेट्स एंड सूप. कुछ प्लांट के फाइबर रेशे ऐसे होते हैं जिनसे हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं. ठीक है, कॉटन जो है, जूट जो है, फ्लैक्स, उनका हम लोग कपड़े बनाने में, कारपेट गलीचे बनाने में, रस्सियाँ बनाने में यूज़ करते हैं. स्टेम ऑफ ए बैम्बो प्लांट आर यूज टू मेक पेपर बास्केट न हट्स फर्नीचर वॉकिंग स्टिक एक्सेट्रा. बैम्बो प्लांट का यूज़ हम पेपर बनाने में, बास्केट हट्स फर्नीचर वॉकिंग स्टिक बनाने में हम लोग इसका यूज़ करते हैं. इसके अलावा वुड ऑफ ए ट्री लाइक शीशम ट्रीक एंड साल आर यूज टू मेक फर्नीचर डोर विंडो. ये सारे के सारे प्लांट हैं, इनका यूज़ हम फर्नीचर बनाने में, डोर विंडो बनाने में यूज़ करते हैं. सम प्लांट्स लाइक तुलसी सिंसोना नीम आर यूज टू मेक मेडिसिन. बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिनका हम दवाइयाँ बनाने में यूज़ करते हैं. गम एंड रबर आर ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट. जो गम है, गोंद है, रबड़ है, वो भी हमें प्लांट से मिलती है. आर यूज टू मेक टायर्स एंड अदर यूजफुल थिंक. वी ऑल्सो मेक सम प्लांट पेंट फ्रॉम प्लांट प्रोडक्ट. इसके अलावा हम कुछ पेंट भी हैं जो हम प्लांट प्रोडक्ट से हम लोग क्या करते हैं, बना मिलते हैं, यानी हमें बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं, प्लांट से मिलते हैं. यहाँ पर कुछ टर्म्स बताई हुई हैं जो मैंने आपको अभी बताई थी. टेरेस्ट्रियल प्लांट क्या होते हैं, वो प्लांट जो लैंड्स पे होते हैं. एक्वाटिक मैंने जो वाटर में होते हैं. इंसेक्टिवोरस प्लांट वो जो प्लांट इंसेक्ट को खाते हैं. यानी ये तीनों टर्म आपको बहुत अच्छे से लर्न करनी है ताकि आप लोगों को हायर क्लासेस में कोई प्रॉब्लम ना आए. ओके, थैंक यू. लाइक शेयर सब्सक्राइब पार्ट द साइंस क्लासेस. थैंक यू.